भारत ने न्यूजीलैंड को 168 रनों से चटाई धूल, फाइनल में कर दिया चारों खाने चित। लेकिन भारत को फाइनल जिताने वाले ये हैं तीन खिलाड़ी। अगर ये तीन खिलाड़ी ना होते तो शायद भारत का जीतना मुश्किल हो जाता। भारतीय टीम ने आज फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 168 रनों से धूल चटाकर इतिहास रच दिया। T20 क्रिकेट जगत में यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है, जिसे शायद तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन इस जीत में भारत के वे कौन से तीन खिलाड़ी हैं जिनका सबसे बड़ा योगदान है, तो चलिए बताते हैं आपको। नंबर एक, शुभमन गिल। शुभमन गिल जिन्होंने आज फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 126 रन बनाए, वह भी मात्र 63 गेंदों में। चौके और छक्कों की ऐसी बरसात की कि बस न्यूजीलैंड के गेंदबाज तो आज आसमान में निहारते ही नजर आ रहे थे। उन्होंने 126 रन की पारी में 12 चौके और 7 शानदार छक्के जड़े। लेकिन आपको बता दें, भारतीय टीम का पहला विकेट मात्र 7 रन पर ही गिर गया था, और उस वक्त जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत शुभमन गिल की थी, तब शुभमन गिल ने अपनी जिम्मेदारी को समझा। हालांकि शुरू में तो वह आराम से खेले, लेकिन कुछ ही गेंदों के बाद उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बस न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर तो ऐसे बरसे कि आज जैसे सोच कर आए थे कि किसी भी गेंदबाज को छोड़ेंगे नहीं, और उन्होंने नाबाद 126 रन ठोक डाले। अब बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की, जिनका नाम है सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने आज बल्ले से तो कमाल नहीं दिखाया, लेकिन अपने फील्डिंग से सबका दिल जीत लिया। जी हाँ, सुनकर शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आज सूर्य कुमार यादव ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ऐसे शानदार कैच पकड़े जिन्हें देखकर कमेंट्री बॉक्स में बैठे कमेंटेटर भी होश उड़ गए। दरअसल गेंदबाजी पर थे हार्दिक पांड्या, और पहले ओवर की 5वीं गेंद पर फिन एलन ने शॉट खेलना चाहा, और गेंद उनका बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े सूर्य कुमार यादव के हाथों में चली गई। कैच इतनी ऊंचाई पर था कि सूर्य कुमार यादव को कैच पकड़ने के लिए छलांग लगानी पड़ी, और उनका ये कैच देखकर मैदान में सभी खिलाड़ी हैरान रह गए। लेकिन सूर्य कुमार यादव का जलवा भी बाकी था। हार्दिक पांड्या के अगले ओवर में फिर ऐसा ही वाक्य देखने को मिला। इस बार सूर्य कुमार यादव ने ग्लेन फिलिप्स का कैच पकड़ा, वह भी हूबहू ऐसा ही जैसा इन्होंने पहले ओवर में कैच पकड़ा था। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे रिप्ले दिखाया जा रहा है। उनका ये कैच देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे राहुल द्रविड़ भी खुद को रोक नहीं पाए और खड़े होकर तालियां बजाने लगे। तीसरा कैच न्यूजीलैंड के कप्तान सेंटर का पकड़ा। इस तरह से सूर्य कुमार यादव ने उन खतरनाक खिलाड़ियों का ऐसे मुश्किल कैच पकड़े जिन्हें पकड़ना बेहद ही मुश्किल था। अगर ये बल्लेबाज चल जाते तो टीम इंडिया के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। अब बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी की, जिनका नाम है हार्दिक पांड्या। जी हाँ, टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या ने आज 17 गेंदों में 30 रन बनाए, जिनमें 4 चौके और एक शानदार छक्का जड़ा। जब गेंदबाजी की बात आई तो आज उन्होंने न्यूजीलैंड के खेमे में विकेटों की झड़ी लगा दी। ऐसे धड़ाधड़ विकेट लिए कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को संभलने का तक मौका नहीं मिला। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 16 रन देकर 4 विकेट लिए, और अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 21 रन के स्कोर पर याद टीम पवेलियन जाकर बैठ गई, और भारतीय टीम इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। तो ये थे भारत के तीन खिलाड़ी, जो आज अगर अपना करिश्मा ना दिखाते तो शायद भारत का फाइनल मुकाबला जीतना बेहद ही मुश्किल हो सकता था। तो आप भी भारत की शानदार जीत और इन तीन खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर अपनी राय दीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।